अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शोहर को राय रास्त पर लाने का वजीफा। हजारों ऐसी ख्वातीन जिनके शोहर गुनाह आलूद जिंदगी गुजारते हैं और उनकी औरतें उनको राय रास्त पर या अपना मती और फरमा बरदार बनाने के चक्कर में अपना वक्त, पैसा और कई मरतबा जेली आलमों के हथे चढ़कर अपनी इज्जत भी गंवा बैठती हैं और बाद में ताहयात इन आलमों के हाथों ब्लैकमेल होती रहती हैं। ये बड़ी बदनसीबी की बात है कि बाज मर्द हजरात नेक और साले शरीक हयात के होते हुए भी अपने अंदर नेकी और पाकीजगी का रुझान पैदा नहीं करते और अवारगी पर मायल रहते हैं। ये हमारे माशरे का इंतहाई बुरा चेहरा है। आज का ये अमल उन नेक और पारसा ख्वातीन के लिए कि वो खुद अमल करें और जेली आमलों से बचें, ये मजरब और आजमूदा अमल है। खुद करें और मुझ नाचीज को भी दुआओं में याद रखें। वजीफा ये है, काली मिर्च के 13 दाने लें और इस पर 13 दफा या वदूद और 13 दफा या रहमान और 111 दफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। सबसे पहले आपको अपने चैनल राज व न्याज पर खुशामदीद कहते हैं और आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। अब इन दम की हुई मिर्चों को पीस कर शोर को 21 दिन सालन या किसी भी चीज में मिलाकर खिलाएं और फिर इसके कमालात देखें। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो शोहर को राय रास पर लाने के बारे में। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल राज व न्याज के साथ जुड़े रहें। उम्मीद है कि दूसरी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। जब तक दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।